नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पटना एम्स से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इस कोरोना काल में। पटना एम्स के जो कर्मचारी हैं, हम आपको बता दें कि वो हड़ताल पर चले गए हैं और हड़ताल पर जाने का मुख्य कारण है उनका कि उन्हें विगत 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, और हड़ताल में भी डॉक्टर सम्मिलित नहीं हुए हैं, नर्सिंग स्टाफ और जो सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। प्रबंधन जो है उनसे बातचीत कर रहा है, लेकिन वो अपने मांगों और शर्तों पर अड़े हुए हैं कि पहले वेतन फिर काम। इसका आप सोच सकते हैं कि इस कोरोना काल में 2 महीने से उनका वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि वो या उनके परिवार के लोग संक्रमित हो रहे हैं तो उनका इलाज भी जो है वो एम्स प्रशासन अपने यहां नहीं कर रहा है, जिसके कारण उन्हें हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। बहुत बड़ी खबर और सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका, जबकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से पटना एम्स को कोविड-19 अस्पताल में तब्दील कर दिया था। और जब से कोरोना की ये महामारी चल रही है, तब से पटना एम्स जो है सिर्फ कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहा था। ओपीडी बंद कर दी गई थी, जो एक बड़ा झटका लगा है सरकार को। कोरोना के संक्रमण काल में पटना एम्स के कर्मचारी जो है हड़ताल पर चले गए हैं। क्या हो रहा है कुछ आगे इस पे डेवलपमेंट, नेशन भारत की नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।